मैं सबसे तो पहले आपको भी बधाई देता हूँ कि हमारे क्रिसमस का जो त्यौहार है बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये संदेश आप सारे शहर में पहुँचाते, ज़िले में पहुँचाते। मैं ज़िले के सारे कोई भी जाति धर्म क्यों ना हो सभी लोगों को बधाई देता हूँ, सेंट थॉमस चर्च की ओर से बधाई देता हूँ, इसलिए कि सभी हमारे सहयोग करते हैं। हम आपस में यही कि मिल के रहें, और यहाँ का जो कार्यक्रम है विशेष करके क्रिसमस का त्यौहार जो है, तो मैं मानता हूँ कि ये उद्धार के साथ मनाया जाता है। उद्धार उद्धारकर्ता के रूप में, मतलब मनुष्य पापों से इस संदेश के द्वारा छुटकारा पाए, और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह ने जन्म लिया है वो यही था कि जब मनुष्य पाप किया आरंभ से, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, पति पत्नी को दोनों को बनाया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने से उसके प्रेम को तोड़कर दूर हो गए, और दूर होने के कारण से परमेश्वर ने फिर मनुष्य को नज़दीक लाने के द्वारा अपने प्रेम में जोड़ने के लिए यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि परमेश्वर सारे जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे यीशु को दिया ताकि मनुष्य को उद्धार के लिए। और उस समय जो संदेश आया, यीशु का जन्म का संदेश जो आया था, वह स्वर्गदूतों के द्वारा आया, और स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहे लोगों को और जो गरीब थे और उन लोगों को और जो अनपढ़ थे, जो अनजान थे, उनके पास संदेश पहुंचा कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता का एक जन्म हुआ। लोगों को बड़ा आनंद से हुआ कि उद्धार की राह देख रहे थे, छुटकारा की राह देख रहे, हमें पापों से कौन छुटकारा देगा, हमें इन बंधनों से कौन छुटकारा देगा, हमारी समस्याओं से कौन छुटकारा देगा। परंतु जब ये संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा आया तो सारे लोग आनंद से भर गए। तो मेरा ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह का क्रिसमस का त्यौहार हमारे लिए उद्धार का दिन कहलाता है, ताकि मनुष्य इस संदेश को सुनकर उद्धार को पाए। कल जो हमारे वक्ता जो आए इंदौर से, उन्होंने बहुत अच्छे प्रभु यीशु मसीह के बारे में संदेश बांटा, ताकि लोगों ने सुना और आनंद के साथ उन्होंने ग्रहण किया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो क्रिसमस का त्यौहार सबके साथ भाईचारे के साथ रहे, और हमारा जो पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और ताकि इसलिए कि हमारे पूरा सहयोग करते हैं और देख रेख करते हैं, और बड़े शांतिपूर्वक से हम त्यौहार को बनाएं। और गवर्नमेंट का जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट का जो नियम आया कि सावन के बारे में लिखा, तो हमने उसका नियम का पालन किया, और उन्होंने 10 बजे का हमारा टाइम दिया था तो हमने उनका भी आज्ञा माना, क्योंकि बाइबल कहती है अपने अधिकारियों का अधीन रहो और उसकी आज्ञा पालन करो। उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था तो हमने 10 बजे बिल्कुल मीटिंग को बंद कर दिया, कोई साउंड नहीं बजाया। जी हाँ, आज क्रिसमस डे है और बहुत ही उत्साह है, और सर्वप्रथम इससे पहले कि हम आपको कुछ बोले, आप सभी को यीशु मसीह के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं। और 25 दिसंबर जो है यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में पूरे विश्व भर में यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है, जिसे बड़ा दिन भी कहते हैं, मैरी क्रिसमस भी कहा जाता है। और जो क्रिसमस डे है वो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। प्रभु यीशु मसीह मानव अवतार लेकर 2000 वर्ष पूर्व इस संसार के अंदर आए, और उन्होंने प्रेम, त्याग, मोहब्बत का एक पाठ सिखाया और भाईचारे की प्रीति, और प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के सिद्धांतों के अनुरूप प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के छुटकारे के लिए, मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया, और प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये पाठ लोगों को सिखाया कि मानवता जो है, मनुष्य जो है, मानव धर्म है वो सर्वप्रथम है, क्योंकि यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, और एक दूसरे का जब हम सम्मान करेंगे, जब एक दूसरे का हम आदर करेंगे तो हमें वो सम्मान प्राप्त होगा, एक दूसरे का हम आदर करेंगे तो हमें आदर प्राप्त होगा। और ये जो संदेश है, ये संदेश दिया गया, तो क्रिसमस जो है वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है, और यीशु मसीह के इस संसार के आने के पूर्व 4000 वर्ष पूर्व अलग अलग नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था। और यीशु मसीह का इस संसार के अंदर आने का जो उद्देश्य है वो बाइबल के अंदर यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसे मोहब्बत किया और उसने अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो क्रिसमस जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो संदेश है, सर्वप्रथम ग्रहणियों को संदेश दिया गया था स्वर्गदूतों के
द्वारा, और ज्योतिषियों को जो संदेश दिया था, वाइसमैन बुद्धिमान, जो हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र आज संसार के अंदर हमारे यहाँ का व्याख्यात है, और ज्योतिषियों ने, खगोल शास्त्रियों ने तारों के द्वारा उन्हें संदेश दिया गया कि एक राजा का जन्म हुआ। सो बाइबल जो है, यीशु मसीह का जो जन्म है वो बड़े दिन के रूप में, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि रोमियो 3:23 के अंदर इस प्रकार से कहा गया कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सो आपको पुनः हम यीशु मसीह के जन्मदिन की और क्रिसमस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते, बधाई देते, ईश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, सभी के ऊपर बना रहे। जी मेरा नाम पत्रस हाबिल किकरिया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।